कहाँ से आया? करनाल से सर। करनाल हरियाणा से? हाँ जी सर। अच्छा तू तो मेरे नाने के गांव से आया भाई। हाँ कैसे मिली आशीष बेटे? पिछले साल ईस्टर डे पे आए थे फर्स्ट टाइम। पिछले साल ईस्टर डे पे आया था फर्स्ट टाइम आए थे सर। फर्स्ट टाइम आए थे उसी टाइम हमें ये और आप बच्चा लेकर आए हैं। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ शाबाश। इधर दिखाओ कादर खान को दिखाओ शाबाश। देख लो दिखाओ कैमरे में दिखाओ। इधर मुकर इसका नाम आशीष रखा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो हाँ ऊपर करो शाबाश। हाँ हाँ बोलो बोलो बराबर बोलो। 13 साल से बेटा नहीं था आपके पास? 13 साल से। कैसे मिली आशीष? रिसीव किया आपने? अच्छी मिली। अच्छी मिली बच्ची मिली कि अच्छी मिली? लड़का 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 हुआ। 3 साल से बेटा नहीं था स्पेशली एंड परिक्रमा। मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम इमारियल बरला। झारखंड से आए स्पेशली एंड परिक्रमा बेटा हो गया। दे रहा था उसके वजह से मैं बेटा हो गया। 5 साल से बेबी बॉय नहीं था बेटा हो गया। कहाँ से आया? उत्तराखंड से देहरादून से। जोर से तारीफ करो शाबाश। 5 साल से बेटा नहीं था अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा इनको भी बेटा हो गया। देखो लाइन लगी हुई है। जोर से तारीफ करो शाबाश। परमेश्वर की महिमा करो। फिर से कहो फिर से कहो। तो दुवांगु जी नच नच के। तो दुवांगु जी नच नच के। आरी आरी। सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास बेटे हो गए ना बेटियां होगी ना 5 साल। कहाँ लेके जा रहे हैं? रुक इधर आओ शाबाश। इधर सारे इकट्ठे हो। जल्दी करो इधर आओ शाबाश। जल्दी आओ फटाफट। एक बात बताओ तुम्हारे से पैसे लिए कोई पादरी विजेंद्र ने? अगर लिए भी हो लाइव चल रहा बोलना नहीं। तो सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे तो नहीं लिए तुम्हारे से। मांग के तो नहीं लिए। तुम्हारी श्रद्धा दिए होंगे ना और कहीं तो नहीं भी दिए। समझ रहे हो? बीज नहीं बोया ना। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे से कुछ नहीं लिया यीशु मसीह ने तो आज थोड़ा सा नाच के जाओ। बच्चे हो गए अब चलो शाबाश बजाओ बजाओ। ये सुनो करता है प्यार बंदिया। ओ नच दौत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया। नच दौत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया। नच दौत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया। आरी 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 यसूदेया 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 लोका दी बस यसु मसीह नाल यारी। यसूदेया लोका दी बस यसु मसीह नाल यारी। जो अगर आप नाच के नहीं जाओगे 2 लड़कियां होंगी इकट्ठी। जाओ जाओ शाबाश जाओ जाओ। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट निकल जाओ गवाही के साथ। हाँ ये फटाफट और जल्दी जल्दी से। हाँ ये खड़े हो जाओ जिसके जिसके एक लाइन खड़े रहो माइक पर लाइन पर खड़े रहो। और इनको लेके ना फटाफट। एक कैमरा मेरी तरफ रखता रहे। चल बेटे अभी टाइम नहीं है। जाओ जाओ निकलो फटाफट। हाँ जो गूंगे बहरे में हाथ रखता जा रहा हूँ फटाफट। जल्दी जल्दी शाबाश शाबाश बस बस बस। हाँ जल्दी कर माइक इधर कर। हाँ रुमाल दे दे। एक सेकंड बेटे पीछे हो जाओ पीछे पीछे। रुमाल दे दे रुमाल। तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से। बड़े बड़े काम होते हैं। चेक करो जाओ इनको उधर ले जाओ साइड में जल्दी करो। हाँ गवाही के साथ इधर से निकलो और उधर बैठो फिर आपको यहाँ भीड़ हो जाएगी गवाही देने में। 5 मिनट के बाद प्रचार के बाद चेक करना अपने बच्चों को। जो काम नहीं कर सकते वो करना। चल जल्दी करो उधर जाओ शाबाश। राइट साइड उधर नहीं जाना है मैडम। इधर चल इधर। हाँ शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी से गवाही सुनेंगे। प्रभु जी बहन बता रहे हैं 6 महीने से इनके यूट्रस में सिस्ट थी। स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाया और वो सिस्ट बाहर आ चुकी है। रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। उसे पर्दे घटाओ। ऊपर करो गवाहियां फट फटाफट। लास्ट टाइम टाइम खत्म हो गया जल्दी करो शाबाश। हां बताओ बेटे गवाही के साथ। पापा जी को जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। इधर ले इनको इधर उठा इसको इधर खींच ले इसको। हां हां शाबाश। हां हां
शाबाश बेटे बोलो। सारे कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे 6 महीने से यूट्रस में सिस्ट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, मैंने पापा जी से आके ले हैंड प्रेयर करवाई, तो मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटे आपको? यूट्रस में सिस्ट थी पापा। यूट्रस में गिल्टियां गांठे पानी वाली सिस्ट थी, और बता रही कि आपने स्पेशल हैंड प्रेयर कराई पापा जी। और कहां से आया? दिल्ली से आई। और उसके बाद देखो मिराकल हो गया इसके साथ। yes, कि वो गिल्टियां गांठे गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। जी। बोलो आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं जिसी को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसी को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु जी भाई बता रहे इसके बच्चे को जन्म से दोनों किडनियां डैमेज थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन बहन विश्वास के साथ चर्च में आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर हुई, बता रहे बच्चे की दोनों रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। वो मुक गई, मुक गई, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई। हां हां, क्या प्रॉब्लम थी बताएंगे? जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मेरे भतीजे की दोनों किडनियां डैमेज थी। जयपुर वालों ने जवाब दे दिया था, दिल्ली एम्स में ले जाओ, रिपोर्ट करवाई हमने वहां जाके, तो नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हुए हम। हम सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूं। कैसे 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 हुए बेटे? स्पेशल लैंड प्रे करवाई थी। स्पेशल लैंड प्रे कर, इधर ले आओ मेरे पास बच्चे को, शाबाश। देखो इनकी रिपोर्टें दिखा रहा हूँ आपको। हाँ उठाओ शाम कैमरा कर, इधर देखो ये रिपोर्टें कोई भी चेक कर सकता है, बिना रिपोर्ट के मैं गवाही नहीं लेता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 एक्सरे हैं, और ये रिपोर्टें कहाँ कहाँ नहीं गए देखो। ये रिपोर्टें इनके पास, हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटलों की रिपोर्टें हैं। किडनी में क्या हो गया था? दोनों किडनियाँ डैमेज बताई, और जब स्पेशल ले एंड प्रे किया दोनों किडनियां नॉर्मल होगी। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रभु के गीत गाओ, ताल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ताल 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 ताली। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है ऑनलाइन आपने इनके लिए प्रोफेसी किया, प्रेयर किया था कि आने वाले समय में परमेश्वर 3 होटल के साथ आपको ब्लेस करने वाला है। रिसीव किया, परमेश्वर ने 3 होटल्स के साथ ब्लेस किया है। तो दुवांगू जी नच नच के, तो दुवांगू जी। बता बता शाबाश शाबाश, कितने होटल मिले बहन? हालेलुया। 3 दिसंबर पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि हम कुछ रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो हम बोले कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट है और मेरा हस्बैंड दूसरी जगह पर नया ब्रांच लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पापा बोले 3 महीने के अंदर वो पूरा हो जाएगा, तो 3 महीने अभी चल रहा है और भी 3 ब्रांच हमारा ओपन हो गए हैं दूसरे शहर में। हालेलुया। और एक बड़ी गवाही है, पापा बोल रहे हैं हमारे पास एक भी नहीं है। पापा हर टाइम बोले कि इस नंबर के लिए नया कार मिलने जा रहे हैं, तो हम वो रिसीव किए। पिछले टाइम हम प्रे करे तो नया कार भी मिल गए। अपने हाथों को उठाओ शाबाश, अपने ऊपर करो गवाहियां शाबाश। यूट्रस में रसोली थी आपको, और ये अपनी फोटो लेकर आई है, यूट्रस में से रसोलियां गायब होगी। हाँ हाँ ऊपर करो वहीं पर। हाँ स्पेशल एंड प्रे कराई, किसी के घर बना, किसी की मैरिज हुई, किसी के वीजा मिला, स्पेशल लैंड प्रे कराई आपने। ऊपर उठाते रहो बस, वहीं वहीं रहो। मिराकल मनी, बस मिली, किसी को ट्रैक्टर मिला, किसी को घर की आशीष मिली, कोई अच्छे नंबरों से पास हुए। हाँ मैं किसी से पैसे नहीं लेता। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नशा करते थे आजाद हो गए, आईसीयू में थे आजाद हो गए। अपने पीछे रहो आप प्लीज, आगे नहीं आना। आप अपने सिर पे हाथ रखो, आपके डब्बे सब ले लेंगे हम, चिंता ना करो। अपने सिर पे हाथ रखो शाबाश। पवित्र आत्मा जी, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर, जो लोग गवाही देने के लिए आए हैं, पवित्र आत्मा आपने कार दी, घर दिया परमेश्वर लोगों को। पवित्र आत्मा जी इनकी भविष्यवाणी को पूरा किया, पवित्र आत्मा बच्चों के एडमिशन किए मेरे पिता परमेश्वर। जिस बात के लिए प्रॉब्लम में थे, गिल्टियां गांठे पत्थरियां, मैं देख रहा हूँ बेबी बॉय मिला आपको 8 साल के बाद, परमेश्वर आशीष दे 15 साल के बाद, प्लॉट की आशीष, घर की आशीष। पवित्र आत्मा जिनकी गवाहियां बनी है और जिनकी नहीं बनी है, पवित्र आत्मा इस संडे से बननी स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब बैठ जाए शाबाश। अब इसी समय टाइम ज्यादा हो गया, बात नहीं करना, आप बैठ जाओ, विश्वास करो, बैठ जाओ, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उधर बैठ जाओ बस, शाबाश बैठ जाओ उधर ही।
क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा यहाँ पर है? विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? सुन रहे हैं वो हमारे बीच में है। थोड़ी देर अभी आपको शांति के साथ बैठना है, अपने भेंट याद रखना। जब आप एक बेस्ट बीज बोते हैं तो यूपी में बोलते हैं जाति रो परेकु। सुनो, आपको विश्वास करना है कि आपको यहां पर आने के बाद, आप एक ऐसे डे में आए, आज ईस्टर का दिन है, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप विश्वास करना है, पवित्र आत्मा ने आज बहुत सारे लोगों को आशीष देनी है। जिन लोगों ने ईस्टर पर दान दिया, जिन लोगों ने हेल्प किया, पानी के लिए, टेंट के लिए, लाइट के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने बोया ईस्टर के दिनों में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? नहीं, आपको हल्के में लग रहा होगा, आपको थोड़े दिन के बाद पता लगेगा। जब ये औरत मेरे पास आई थी तो रो रही थी, इसकी बच्चे की दोनों किडनियां खराब थी और मैं इसको हंसा रहा था, इसका पति भी रो रहा था, मैं इसको हंसा रहा था, मैं कह रहा कि क्यों रो रही है खाम खाई यार, ये मेरे को बोलिया। ओए माइक में कौन बोल रहा है? ओ सरदार जी, क्या तेरा दिमाग ठीक है? और आप उस दिन वो लोग रो रहे थे और उठ जाया करो वहां से यार, चलो साइड पे जाओ। वो रो रहे थे और मैं उनको हंसा रहा था, मैं उनको ये कह रहा था कि मुझे एक स्पिरिट दिखाई देती है, मुझे एक स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया। मैं कहा आप आएंगे, हंसते भी आएंगे, और आज देख लो दोनों किडनियाँ चंगी हैं उस बच्चे की, यीशु मसीह के नाम में। और दिल्ली की भी आपने गवाही सुनी है, सुनिए कि नहीं? आज आपने थोड़ा सा सब्र किया, आज आपके डोर बड़े बड़े बिग डोर खुलेंगे। yes. थोड़ा सा सब्र करना है बस, लेकिन अपने चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लानी है। मातम मनाने के लिए नहीं आए आप। सुनो, मीना नहीं, बच्चा नहीं है उसके पास, चाहिए तो लड्डू की वाइफ खड़ी हो सकती है। मीना, बच्चा नहीं आपके पास। हाँ, कम यार, मीना, हाँ हाँ मीना। पास्टर इधर उधर माइक लेकर ध्यान किया करो, मीना बच्चा नहीं आपके पास, वहीं से हाथ उठा दो जिसके जिसका नाम मीना है, मीरा, मीरा, मीना, बच्चा नहीं है, मीनू, जो भी आप। हाँ, कम यार, निकल आओ मेरी बहन, निकल आओ, आने दे, आ जा मेरी बहन, मैं तेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, कैमरा लाली, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा, सिर्फ कैमरा देखेगा तेरी तरफ, मैं देख ही नहीं तेरी तरफ, मैं तो अपने कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, और कौन है? मीना, मीना, मीरा, हाँ एक और थी, हाँ मीना, मीनू, हाँ शाबाश, सुन आगे तू, क्या नाम है तेरा? मीनू, मीनू, हाँ एक और है, हाँ दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़, कमेर, अम्बलाबा शबलाबा, हम बच्चे नहीं है आपके पास। यस, बच्चा नहीं है, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है मेरे पास, बोलना नहीं है, बस खड़े हो जाएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, बस चुप चुप चुप, शांति रखो। मीना, हाँ सुनो, सुनो, तुम्हारे में से अंबाले से कौन है? अंबाले से ही तारीफ करो जोर से, हालेलुया। सुनो, मुझे बोला प्रभु ने अभी कोई मीना है अंबाले से आई है और तेरे घर पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, अगर तू यहाँ ना आती तो काफी समय और प्रॉब्लम होनी थी तेरे घर पर, तुम चीजें रखी भूल जाते हो, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, ये तो सबके रहता है, लेकिन वो इतना तुम जो करतार 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 सिंह, हाँ जी, मेरे साथ आए हैं,
आपका हस्बैंड है? हाँ जी। मेरे को कैसे मालूम? कैसे मालूम? यीशु मसीह यहाँ पर है। यीशु मसीह यहाँ पर है? हाँ जी। हाँ, वो तेरे गर्भ को आठवें महीने में आशीष देने के लिए जा रहा है। वो डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप। देखो वो स्पिरिट इसको तंग कर रही है। उठो बेटे, उठो, शाबाश, हाँ हाँ, उठो। रबा रबा सना, रबा 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 सना। वो तारे, मैं कुछ ऐसे चीजें देख रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु इसी समय बोल और बातचीत कर। सुनो, कोई सुनीता है, सुनीता और रेखा, मैंने उसको देखा है अभी इसी समय। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मुझे आपका हस्बैंड, आपकी फैमिलियाँ उसको जानती हैं, आप पास में, रिश्तेदारी में, कजन में, मैं ऐसे देख रहा हूँ, पड़ोस में, ऐसे कुछ चीज़ों उसको जानते हैं। उसके नाम लेकर प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है। आप गए थे, फैमिली कह रही कि वो गए थे आप, लेकिन प्रॉब्लम हटी नहीं है। मैं ऐसे नाम देख रहा हूँ किसी का, ऐसे सीमा। कौन है? मेरी जेठानी है। बाकी तू समझदार है। कहाँ पर है वो? घर पर है। बच्चे हो गए उसको? लड़का नहीं है उसके पास। और तेरे पास? मेरे पास भी नहीं है। दोनों को होने जा रहा है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप के नाम में इसी समय। हाँ, उठा फटाफट लड़की, जल्दी हाथ पकड़ के उठाया करो। देख, मैं तीन साल से तुझे ब्लैक मैजिक ने घेर रखा। हाथ पकड़ के रख, हाथ पकड़ के रख, और फटाफट फटाफट उठाते रहना, नहीं तो मैं तुम्हें उठवा दूंगा आज। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में। हाँ, फिर जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, इसी समय, यीशु मसीह के नाम में। और पकड़ लो, अब गिरने नहीं चाहिए ये। अब चेक करो, गुड न्यूज़। मीना, हाँ हाँ, सुनो जल्दी, इधर लाइन में खड़े हो, फटाफट, इतना टाइम नहीं है, लाइन में खड़े। अपने पेट पर हाथ रखो, अपने पेट पर हाथ रखो। अबालाबा शबालाबा, क्या करें फिर आपका? अब बैठ जाओ, पहले क्यों नहीं है, बैठ जा। परीक्षा ले रही थी मेरी, बैठ जा वहाँ पे। बच्चा हो रही है, इधर को वहीं हो जाएगा, वहीं हो जाएगा। बैठ जा। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज मिले, बच्चे की आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में। आप इन चारों को सुनेंगे, चार, ये चार लेडीज, तीन जिनको छुआ भी, एक वो नीचे, चार चार लेडीज सुनेंगे, चारों एक साथ आएंगी, एक साथ आप ये टेस्ट मनी सुनेंगे जल्दी, यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर है यहाँ पर, सारे बोले हालेलुया। सुनो, मैं ऐसे देखता हूँ किसी को, कोई उस साइड बैठे, उस साइड, और उसका नाम ऐसे, और मेरी बात को सुनना और उसी समय हाथ खड़ा कर लेना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रकाश, कौन है? हाथ उठाओ। प्रकाश, अरे औरत नहीं है, आदमी है, मैं देख रहा हूँ, मुझे, मैंने अभी देखा किसी को। प्रकाश, हाँ प्रकाश, कैसा है तू? हाँ, देखा, जलवा दिखा दे अपना। सारे बोले हालेलुया, दिख रहा है कि नहीं? आज ईस्टर है, ईस्टर, yes. आज आपको कुछ दिखाएंगे, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ओए प्रकाश, टंप लगा कर आओ इधर मेरे पास, आ जाओ, कम यार, सामने कोई नहीं बैठा, इनके ऊपर टंप कर आ जा, दो चार को कुचल कर आ जा, शाबाश, जल्दी आ, दौड़ के, देखना नहीं, आंख बंद करके आ जा बस, कुछ डरो मत, डरो मत, डरो मत, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, ये डर जाएगा फिर इतनी देर में, रुक जा, रुक जा, प्रकाश, 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 सुन रहा है मेरी बात? अब इसका मुंह ऐसे ही रहेगा, आई एम प्रॉफिट, ऐसे रखियो अब। फिर क्या ऊपर? अच्छा सुनो, 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 लिसनिंग, लिसनिंग, दिमाग चल गया इसका, दिमाग चाहिए, चलो उठो, स्प्रिंग लगाओ, चलो उठो, शाबाश, जल्दी कर, उठा इसको, जल्दी कर, उठो, 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 जल्दी कर। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? माइक कर फटाफट, हाँ इधर देखो, रुक जा, तेरी मुंडी पकड़ो, हाँ माइक, क्या नाम, क्या तेरा? प्रकाश। अबे नए कोर्ट पे थूक रहा, सुन, हाँ बोलो बोलो, क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश, मेरी तरफ देखो बेटे, मेरी तरफ देखो, तू ठीक होना चाहता है? यस।
है? कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? सुनो तो सही, मैं तेरे बाप को जानता हूं, तू मेरे से मिले गई? कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? हाँ या ना? नहीं मिला ना। नंदलाल कौन है? मेरे पिताजी। प्रोफेसर दोनों मत चुपचाप खड़े रहो। सुनो, प्रभु आपसे प्यार करता है, ठीक है? प्रभु आपसे प्यार करता है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, सुन रहे हो? ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके डैडी के फैमिली से पुराना ये बहुत किस्सा चल रहा है। दो डेथें करा दी हैं उसने, दो लोग मर चुके हैं, और उसी समय वो तेरे को ड्रीम में घूम रहे हैं, स्नेक देख कर घूम रहे हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। इसी समय आप देखो निकल रहा है, क्या हुआ? हो गया ठीक? इसको छोड़ेगा कि नहीं? नहीं, नहीं? कहाँ है पकड़ा इसको? जल्दी बोलो, कहाँ है पकड़ा इसको? इसको ऊपर उठ नहीं दूंगा। ऊपर उठने नहीं देगा? हम कौन सा कह रहे हैं? अभी थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन जीने देना इसको। ये कौन सा डांस है? प्रकाश को पकड़ने वाली आत्मा छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में, फ्री। बोलो आमीन। चलो इसको इसको उठाओ, दो हाथ पैर पकड़ो उसके और ले जाओ उसको। वहां बैठ के वचन सुन, अब सामने बैठ जा। चल मेरे, शाबाश, जल्दी कर, तेरी आशीष खुल रही है, यहां बैठ जा। और एक चक्कर लगा, क्या सुन, इधर दौड़ के दौड़ के दौड़ के चक्कर लगा, फटाफट दौड़ के दौड़ के चक्कर लगा। अबे दौड़ के लगा, दौड़ के। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो, चेक करो चेक करो चेक करो, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। भाग गया? भाग गया? वापिस आ जा, चल यीशु मसीह के नाम में वापिस आ जा दौड़ता हुआ। चल चलो एंजल, ले आओ इसको वापिस, वापिस ले आओ यीशु मसीह के नाम में। आ दौड़ गया, दौड़ गए, छोड़ दे। अच्छा छोड़, अब आ छोड़, वापिस आओ, चलो अभी जाओ, चलो यहाँ बैठ जा, चल यहाँ बैठ जा, अब तो ठीक हो रहा है, बैठ जा, शाबाश बैठ जा। हाँ सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रख के सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। आज मिराकल वाला डे, आज आपकी लाइफ में हम इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे, अपनी बाइबल खोलेंगे सब, प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा ट्रेलर इसलिए दिखाया है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। आप कहीं पर भी आए, कहीं से भी आए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके लिए आज। बोलो हालेलुया। विश्वास करना, जब मैं भविष्यवाणी करता हूं तो लोग सोचते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं बाइबल में कि आपको कार मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपके चार बच्चे हो जाएंगे, बाइबल में लिखा ही नहीं कहीं, आप तो ऐसी भविष्यवाणी करते हो। कुछ भविष्यवाणियां समझनी पड़ती हैं, समझ रहे हो? सुनो, एक व्याभिचारिणी औरत यीशु मसीह के पास भाग कर आई और आकर उसके पैरों में गिर गई। प्रेटावर की लड़की है, देखा पैर में मेरे, आज पहन के नहीं आया मैं। सुनो, और इसमें बोलना ही, आगे बैठकर आपको इसलिए बिठाया, आगे आप ज्यादा शिक्षा लो। बोल क्यों रहे हो फिर? बुला दिया, क्या कह रहा था? एक यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई, ओए बैठ जा, बैठा जा पकड़ के, कोई इमरजेंसी भी हो नहीं जाना बाहर। हाँ, बाना करके जाते हैं सारे। बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से, कि एक व्यभिचारिणी औरत यीशु मसीह के पास आई दौड़ती हुई, और ये वॉलंटियर, ओए जंगला लगा हुआ, नीचे बैठ जाओ, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, बैठो नीचे, नीचे बैठ लड़की, नीचे बैठ, किसी से बात नहीं करना, नीचे बैठो, दूर तक नीचे बैठो, फटाफट, पांच मिनट के बाद मैं किसी को बोलूंगा नहीं, नीचे बैठ जाओ लड़की, नीचे बैठे वॉलंटियर, सब नीचे बैठ जाओ, जरा इनको पुलिस वाले गुस्सा दिखा, जरा थोड़ा सा। हाँ सुनो, आपको विश्वास करना है कि भविष्यवाणियों पर जब तक आप विश्वास नहीं करते तब तक आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होती। एक औरत यीशु मसीह के पास दौड़ी हुई आई और आकर कहने लगी कि यीशु मसीह कि मुझे बचा, क्योंकि फरीसी लोग उसे पत्थर मार रहे थे कि ये औरत पापी है, ये औरत ने कईयों का घर उजाड़ दिया, और ये फलाने को लेकर भाग गई, फलाने को लेकर भाग गई, और वो उसको मारने के लिए तैयार थे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसी समय क्या किया, यीशु मसीह ने मिट्टी पर लिखना स्टार्ट किया।
कितनों को पता है यीशु मसीह ने उंगली से मिट्टी पर लिखा, लेकिन बाइबल में ये बात कहीं नहीं लिखी कि यीशु मसीह ने क्या लिखा। मैंने प्रभु से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया यीशु मसीह ने लिखा कि मैं, फिर इसी लोग आकर पूछ रहे थे यीशु मसीह से कि बोल, कहते इसने पाप किया है, इसको पत्थर से मारना चाहिए कि नहीं। तो यीशु मसीह ने लिखा, कहता प्रभु मैं इनको क्या उत्तर दूं। प्रभु ने प्रेर की, उसने लिखा और परमेश्वर ने उसको कहा, कहता इनको बोल जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले पत्थर वो मारे इस औरत को। और उसी समय उन्होंने देखा सबने पाप किया था और वो सब के सब वापिस चले गए। और उसी समय यीशु मसीह ने बैठकर फिर दोबारा लिखा मिट्टी पर, क्या लिखा, थैंक्स प्रभु, हालेलुया। समझ में आया, आज ईस्टर के दिन अपनी मिट्टी पर लिख लो कि परमेश्वर तू मेरा काम कब करेगा, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो परमेश्वर मैं क्या जवाब दूं। आज मैं कह रहा हूं कि ईस्टर के बाद, आज रात के बाद आप थैंक्स करने वाले हैं इस साल में परमेश्वर का। आमीन। विश्वास करना है, आपको नहीं पता भविष्यता किस लिए भेजे जाते हैं, भविष्यता इसलिए भेजे जाते हैं कि ताकि आपकी उन्नति हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी ब्लेसिंग बढ़े और आपको परमेश्वर सिखाए और बताए पवित्र आत्मा क्या आपको बनाना चाहता है और क्या करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास करो। अपने अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर झटक दो और गुस्से में बोलो विश्वास कर, ऐसे नहीं विश्वास कर। सब आयु संगत को आज ईस्टर मुबारक हो। प्रभु ने मुझे कहा आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन। आज के दिन से देता रहूंगा आशीष। बस आज आपको विश्वास करना आशीष लेने के लिए। और दो मिनट ध्यान से सुनना है, हर व्यक्ति के ऊपर परीक्षा कब आती है, हर व्यक्ति के ऊपर समस्या दुख प्रॉब्लम कब आती है, जब वो अपने थॉट्स में चला जाता है, अपने विचारों में चला जाता है, अपने नेगेटिव विचारों में चला जाता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, अपनी रिपोर्ट को देखकर परेशान हो जाता है। आप वो परमेश्वर को छोटा कर देता है और अपनी रिपोर्टों को बड़ा कर देता है। जब वो अपने हालातों को बड़ा करते हैं तो वो लोग परिस्थितियों में घिर जाते हैं। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर को छोटा मत करें। परमेश्वर आज रात कह रहा है, ईस्टर के दिन कह रहा है, आपकी परिस्थितियों को खत्म करने के लिए जी उठाए यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु जी उठा तो देश के लोगों ने गलत गलत धारणा पैदा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने कहा यह नजायज औलाद है, ये नजायज औलाद है। पाकिस्तान के लोगों ने कहा होगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं। लोगों ने गलत गलत धारणाएं किया, लोगों ने कहा लाश चोरी हो गया, लाश नहीं थी वहां पर, यीशु मरा ही नहीं क्रूस पर, रिश्वत ले ली होगी। लोगों ने अलग अलग गलत गलत धारणाएं किया। लेकिन जितने आज विश्वास कर रहे हैं, लाइव ध्यान से देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं आज आपके जीने का नजरिया बदल जाएगा। आमीन। आपके जीने के नजरिया बदल जाएगा चर्च। आमीन। आपकी तकदीर बदल जाएगी आज। आमीन। आपके हालात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरा यीशु यहां आया हुआ है। हालेलुया। आपके हालात बदलने के लिए, आपका नजरिया देखने का बदल जाएगा आज रात के बाद, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। परमेश्वर क्या, मैं ये नहीं सोचता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस समय। याद रखना, आप तरक्की जब करेंगे, इसके मुंह में कपड़ा ठूस दे, आपको ऐसे ऐसे परेशान करेंगी दुष्ट आत्मा के बीच में, वचन नहीं सुनने देंगी, लेकिन आपने इग्नोर कर देना है। बोलो इग्नोर कर दिया इसको, या खेलती रहे, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आप वचन, मैं इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोलता, भूतड़ियां खेलने लग जाती हैं, ये मुझे प्रचार ही नहीं करने देती, इनसे एक किलोमीटर दूर थोड़ा चर्च में। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे विश्वास करना है, कह रहे कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आपके सोचने का नजरिया कैसा भी हो, जब आप आए हैं, आप यहाँ पर बैठे, कुछ लोग यहाँ पर बैठ कर सोच रहे होंगे, उनका नजरिया ये होगा कब पादरी का बच्चा बंद करेगा 12 बजे की रोटी भी खानी। आपका नजरिया कुछ और है, आपका नजरिया कुछ और है सोचने का, लेकिन मेरे सोचने का नजरिया कुछ और है। रात के 12 बजे एंजल उतरेंगे आज रात ही, कुछ दे कर जाएंगे। कहता है क्योंकि परमेश्वर कह रहा, जादू टोने वाले रात को काम करते हैं, बाल काटते हैं। हम लोग आपके लिए आशीषें लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं यशाया की किताब 26:19, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, तेरे मरे हुए, पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई के मरे हुए लोग जी उठेंगे। सारे बोलो हालेलुया।
और ये नजरिया देखने का किसी के अंदर नहीं था, लेकिन पुराने नियम में भविष्यवाणी हुआ कि मरे लोग जी उठेंगे। हाँ, क्या लिखा? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। बांदर से कैसे स्क्रीन लगा दी इतनी दूर से? हाँ, फिर से पढ़ो। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। लिखा मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। तो रुक जा, मुर्दे उठ खड़े होंगे। कह रहा मरे हुए लोग जिंदा होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। क्या आपकी सोच में ये बात आती है कि नहीं आती? झूठे कहेंगे। जब कब्रिस्तान पे लेकर जाते हैं, शमशान घाट में लेकर जाते हैं, तो उस समय क्या कह रहे होते हैं? कौन सा नाम सत्य है? यीशु नाम सत्य है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सर बोलो यीशु नाम सत्य है। बस यही तो कहना है। वो शमशान घाट पे अपना प्रचार करते हैं, हम कब्रिस्तान पे अपना करते हैं। लेकिन कह रहा यीशु मसीह, कह रहा अगर आज से तुम ऐसा करने लगे तो वो मुर्दा जहां पर आप जा रहे हैं शमशान घाट में फूंकने, वो वहां पर खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। बात विश्वास की है। बात किसकी है? विश्वास की है। लेकिन ताई आती है, दादी आती है, नानी आती है, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, बात सारी ले चलो ले चलो, देर होगी जल्दी। कह रहे तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, करे इस चर्च की मिट्टी में बैठने वालों, लिखा जय जयकार करके नारे लगा दो आज। हालेलुया। करे हे मिट्टी में बैठने वाले, हे बसने वाले लोगों, करे जय जयकार कर लो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति में उज्जवल होने वाली है और पृथ्वी मुर्दों को लुटाने वाली है। आमीन। पृथ्वी ने मुर्दों को लिया। जब आप धरती के अंदर मुर्दे को गाड़ते हैं, कब्र में रखते हैं, तो आपको पता है ये आदेश है परमेश्वर का कि एक दिन परमेश्वर कहेगा, कहता है कि धरती मेरे मुर्दे वापस लौटा दे। बाइबल में लिखा जो प्रभु में मसीह में होकर जो अब से मुर्दे मरते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 14:12 में लिखा, कह रहा कि अब से, या 12:14 में पढ़ो लिखा, कह रहा कि अब से जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे वो प्रभु की गोद में विश्राम पाएंगे। और कह रहा दूसरी बात, कहते हैं कि परमेश्वर आएगा, अगर विश्वास करते हैं आप तो परमेश्वर कहेगा जिसने मुर्दा धरती में गाड़ दिया है उसको कहेगा कि धरती मुर्दों को वापिस दे दे। लेकिन परमेश्वर किन लोगों के पास आना चाहता है? इसी वचन में लिखा करें कि जब ओस पड़ेगी, ओस, लेकिन जब आप सुबह उठ, ओस कहाँ पड़ेगी? सुबह तो रजाई में होते हो आप, ओस कहाँ पड़ेगी? जिन लोगों के सिर पर ओस पड़ती है, सुबह निकल कर आसमान की ओर हाथ उठाते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे ओस के ठंडे समय में, तो परमेश्वर कहता है उनके ऊपर मेरी ज्योति आएगी आज यीशु मसीह के नाम में, लाइट आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, उसने बता दिया। करा प्रार्थना करने वाले लोग और विश्वास करने वाले लोग, इस वचन में बताया, कहता है कि वो लोग जी उठेंगे, उनका कैसा भी मरा हुआ काम होगा वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो कैसी परीक्षा में होंगे, वो अनाथ नहीं होंगे, वो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की किताब 18:1-2 में करा अब्राहम ने, करा जब 99 वर्ष का था अब्राहम, तो समय में सुनो वो तंबू लगाकर बैठा था एक जगह पर, और वो तंबू बैठा तो उस तंबू के पीछे एक पेड़ था, उसका नाम था मामरू पेड़, और वो एक पेड़ बांझ था, उसके पत्ते उड़ गए थे, उसके पास पत्ते नहीं थे, झड़ गए थे। और उसी समय उसने 3 लोगों को आते हुए देखा। यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे क्रूस पर? 3 थे। उत्पत्ति की किताब 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा एक जगह पर कि एक में कि अब्राहम के पास अब्राहम मरमे के बान वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। आगे कर लेना, पीछे पड़पड़ हो रही है। अब्राहम मरमे के बान वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और क्या हुआ कि देखो, जब उसने दर्शन किया, जब यीशु मसीह को, यहोवा को आते हुए देखा, 3 लोगों को आते हुए देखा, तो उसी समय अब्राहम दौड़ कर जाता है और दंडवत करता है। कौन कर रहा है दंडवत? अब्राहम दंडवत कर रहा है, और दंडवत करते हुए वक्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे घर लेकर चलना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात कर रहा है, वाओ, हैरान करने वाली बात है। बोलता है परमेश्वर कि मुझे, कह रहा है कि तू आज अपसेट लग रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर को? कहता है मुझे तू अपसेट लग रहा है। कैसे पहचान गया अब्राहम? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर एक बार नहीं 40 बार मिलने के लिए आया।
उसकी प्रार्थना में दम था, उसको परमेश्वर मिलने के लिए आया। 75 साल की उम्र में उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि तुझे मैं बेटा दूंगा, लेकिन 24 साल निकल गए, उसको बेटा नहीं हुआ। हो सकता था कि वो परमेश्वर को देखते ही भाग जाता वहां से। आज बहुत सारे लोगों की जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, उनके काम नहीं बनते, दुख में परिस्थितियां, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं आती हैं, तो समय वो वापिस भाग जाते हैं उसी स्थान पर। लेकिन अब्राहम फिर भी बना हुआ था, वो परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए दौड़ा। हालेलुया। हम लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन ये दौड़ा और परमेश्वर के मूड को देख रहा था। परमेश्वर का मूड ऑफ था। उसने पूछा, परमेश्वर तेरा मूड ऑफ क्यों है? परमेश्वर ने कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि मेरे लोग चमत्कार को देखने के बाद भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानता था। परमेश्वर कह रहा कि मैं जो करने के लिए आया हूँ वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सदोम की नगरी को और अदोम की, कह रहा कि मैं नाश करने के लिए आया हूँ। और उसी समय कहता, मैं नाश करना नहीं चाहता, इन्हें खत्म नहीं करना चाहता, इस देश को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता इसलिए आया हूँ, कहता लेकिन मैं मारना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मूड ऑफ है। आज समझ जाना आप, कहता बहुत सारे लोग, जब आपका आपके घर में बीमारी आती है, कर्ज आता है, परेशानी आती है, मेरे परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाता है, वो उसका भी मूड ऑफ होता है। अगर आपका मूड ऑफ होता है कि आपका काम नहीं बना, आप परिस्थिति में हो, आप दुख में हो, परेशानियों में हो, परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर अब्राहम ने परमेश्वर को खुश करने के लिए उसने कहा कि पवित्र आत्मा, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ घर चल, और वो उसके घर गया और उसने कहा, कह रहा है कि मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। उसने खाना खिलाया और परमेश्वर ने उसे कहा, कह रहा है कि जा, आज से कह रहा है कि वसंत ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठा रहे हैं उनका मूड आज से सही होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपका मूड सही करने वाला है। अपने अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना क्या है कि बिगाड़ क्या है? घर से बिगाड़ के आते हैं, यहां पर सही करा के जाते हैं। सारे बोले हालेलुया। मूड कैसा भी हो आज आपका, लेकिन मेरा परमेश्वर मूड सही करके भेजेगा आपके, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उत्पत्ति की किताब 18:11 में जब हम पढ़ते, तो यहाँ पर करें कि आकर क्या भविष्यवाणी हुआ। देखो यहाँ पर अब्राहम के पास परमेश्वर फिर आया 75 साल के बाद 99 साल की उम्र में आया। 24 साल उसने वेट किया और वो कह रहा था, परमेश्वर मुझे बता। इसी के उत्पत्ति के 18:11-12 में लिखा कि देखो क्या लिखा, कि अब्राहम के पास आया, अब्राहम को कहा, अब्राहम तू बाप बनने वाला है। अब्राहम ने कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, डांट भी नहीं है। अंदर कहा, अंदर मन में अंदर हंसने लगा अब्राहम, कहने लगा, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मन में हंसने लगा। फिर उसकी पत्नी के पास गया, उसने जाकर अपनी पत्नी को कहा, कहता परमेश्वर ने कहा तू बाप बनने वाली है। और देखो अब्राहम की पत्नी क्या कह रही है। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया। मासिक धर्म मेंसेस बंद हो गई है। हालेलुया, बोल सकते हैं इसको। तो सुनो देखो आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट 12 में, यहां पढ़। इसलिए सारा मन में हंसने लगी, कह रही मैं तो बूढ़ी हूं। देखो क्या करी, करी अब तो मुंह में डांट नहीं रहे। मैं किसी बूढ़े पर बूढ़ी को बुलाना चाहता हूं आज। सारे बोलो हालेलुया। कोई बुढ़िया है यहां पर? नहीं, ये बुढ़िया थोड़ी है। सारे बोले हालेलुया। ओए कोई बुढ़ा और बुढ़ी पकड़ के लाओ। हाँ शाबाश, लाओ लाओ। हाँ ले आ बुढ़िया को, आ जा बुढ़िया, आ जा, बाहर निकल, बाहर निकल, से बाहर निकल जल्दी फटाफट। हाँ और बूढ़ा लेकर आओ, बैठ के बैठ जाओ। बूढ़ा उधर से ले आओ, कोई भी ले आओ, थोड़ी देर के लिए जल्दी लाओ। सफेद वाले बूढ़े को बुलाओ पीछे, जल्दी आ जा, चश्मे लेकर आओ, सुलक्खन दिमाग ठीक है तेरा, लेकर आओ, आ जा, आ जा फटाफट, आ जा, आ जा लाला जी, तू आ जा, आ जा जल्दी कर, दौड़ करना शाबाश। हाँ आपको ऐसे समझ में आएगा, जल्दी आओ जल्दी, सारा को रास्ता दो, तुम बैठ जाओ। एक ही चाहिए, आ जाओ आ जाओ, आप राम के लिए ताड़ी बजा दो आज। सुनो देखो, ये हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं। सुनो आप इसका हाथ पकड़ो, हाथ हाथ पकड़ लो, मैं पकड़ देता हूं। हाँ यहाँ वाला, यहाँ वाला, हाँ ऐसे ऐसे। सुनो सुनो, अब आपको चलना है ऐसे ऐसे। चलो, अब्राहम और सारा बूढ़े और बूढ़ी हो गए थे
और ये चल रहे थे और अब्राहम कह रहा था अपनी बुढ़िया को, तू मां बनने वाली है। और ये बुढ़िया क्या कर रही थी, ये कर रही थी हम तो मुंह में डांट भी नहीं रहे। अब कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हुआ, जब ये जा रहे थे और रास्ते में एक राजा मिला और राजा क्या कहने लगा, राजा पता है राजा क्या कह रहे थे? राजा ने सारा को देखा और कहा कि तुम मुझे पसंद आ गई है, ये मेरा सिर चकरा जाता है वचन को पढ़ने के बाद। मैंने कहा पहले बूढ़ी थी और ये पसंद आ गई राजा को, ये कैसे हो गया? मैंने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए आपको फिर से जवानी में ले जाता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस जो किए हैं, अपने वायदे जो किए हैं, उनको वापिस करेगा। वापिस उसके लिए 75 साल में भविष्यवाणी हुआ, इसने विश्वास किया। वेरी गुड, हालेलुया। इसका मतलब बेटा मांग रहा है। सुनो, अच्छा सुनो सुनो, 75 साल का हो गया, सुनो। सारे बोला हालेलुया। हाँ सही कह रहा, सही कह रहा। सुनो ध्यान से सुनो, देखो 75 साल है, आपकी एज कितनी? पता नहीं भाई। सुनो, अच्छा सुन तो ले, ये पसंद आ गई है किसको? अरे एक बात सोचने की है, कभी राजा बुढ़िया पसंद करेगा और कह रहा मुझे इससे शादी करना है, शादी, और राजा कह रहा मुझे इससे शादी करना है, हैरान की बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ, उसने कहा हम सोच के बताएंगे। उसने कहा तेरी क्या लगती है? इसने कहा मेरी बहन लगती है, क्योंकि उसको पता था अगर कह देगा मेरी पत्नी है तो उसको मार देगा राजा। तो उसने कहा बहन है, क्योंकि वो रिश्तेदारी में मौसी की लड़की लगती थी, दूर की, झूठ नहीं बोला उसने। उसने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ो सारा का और इधर लेके चलो, सारा को घुमाने के लिए ले गया। अपसेट हो गए दोनों, अपसेट माइंड, अपसेट हो गया, मूड ऑफ हो गया सारा का, और अब्राहम का भी मूड ऑफ। अब्राहम का तो पता नहीं मुझे आज गुस्सा हो गया हो, लेकिन आ जाओ, लेकिन कह रहा खुश नहीं, मूड ऑफ हो गया है। लेकिन क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर सारा की जो चर्बी थी, चर्बी, सुनो इधर देखो कैमरे में, सारा की जो, अब हाथ छोड़ दो इतनी देर के लिए थोड़ी पकड़ना, सुनो अब क्या हुआ, अब अब्राहम जब अलग हुआ से, और सारा 10 दिन के अंदर क्या हुआ, सारा की बॉडी जो थी, चर्बी जो थी, सारा का फेस शाइन मारने लगा लड़की की तरह। उसको पता ही नहीं था अब्राहम को कि मेरी वाइफ, उसने क्योंकि इतना बेचारा टेंशन में था, खाना देती खा लेता, आदमी को पता ही, आपको पहले जब शुरू शुरू में जब औरत आती है तो उसको उसी दिन देखते हैं, आ गई तू, और उसके 2 साल के बाद देखते नहीं, खाना ले आ, चाय ले आ, ऐसे चल रही जीवन। लेकिन यहां पर इस बंदे ने, अब्राहम ने, कह रहा सारा की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जिस दिन राजा ने कहा मुझे सारा पसंद है, उस दिन अब्राहम ने सारा को ऐसे देखा, यार तू तो पहले से सुंदर हो गई है। हालेलुया, यही बता रहा हूं, परमेश्वर ने उसको, उसके गर्भ को ठीक कर दिया था। कह रहा है कि 90 साल की औरत बच्चा नहीं जन्म सकती, लेकिन परमेश्वर उसको आशी, अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अब्राहम को और सारा को दोबारा से जवानी में, अंदर से ले गया है जवानी में। हालेलुया, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके लिए भविष्यवाणी हुई है और आपकी अब तक कोई भविष्यवाणी, कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपने अंदर से विश्वास को जगाया है कि यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा है, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में नहीं, आपके अंदर पहले जिलाना है विश्वास को, अगर आपने जिलाया है, तो मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात आपकी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए पलटेगा, पलटेगा वो अपने वादे को पूरा करने के लिए, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने सारा को जो कहा था, अब्राहम को जो कहा था, 75 साल पहले कहा था, 24 साल हो गए,
लेकिन ये बंदा करे के हैरान था कि 24 साल हो गए छोड़ सकता था परमेश्वर को, लेकिन इसने कहा, कहता फिर भी दौड़ा परमेश्वर के चरणों में, देखते ही दौड़ा और करा तेरा मूड ऑफ क्यों है, कहता कि तू अपसेट क्यों है, कहता अब्राहम क्योंकि तू आज निराश है, कहता इसलिए मेरा मूड ऑफ है, कहता कि मैं आज भी तेरा विश्वास देख रहा हूं कि तू मुझे छोड़कर भागा नहीं है, आज भी मैं ईस्टर पर बहुत सारे लोगों का अपने पुराने विश्वासियों का विश्वास देख रहा हूं वो छोड़कर भागे नहीं है, काम बना या नहीं बना, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके यहाँ आने के अनुसार करा वो स्वर्ग से निकलेगा, वो जी उठा है आज मेरे और आपके लिए, वो पलटी मारेगा अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा, जो वायदा उसने आपको मसीह में आने के बाद बुलाया है किया है मेरे द्वारा या बाइबल के द्वारा, वो सारी भविष्यवाणी वचन पूरे करेगा आज, आमीन, वायदे पूरे करेगा आपकी लाइफ में, आमीन। अब आप अब्राहम जाए, आप सारा तो यही रहे, हालेलुया, सारा मां बन गई है, हालेलुया, इससे इसहाक पैदा हो गया है, इसहाक बेटा पैदा हुआ, बोला हालेलुया, हालेलुया, सारा तो मेरे सामने बैठ जाओ तो बहुत सुंदर हो गई है, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे हालात बेकार हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब कमा नहीं सकता, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरा बिजनेस खराब हो गया है, मैं अब काम पर नहीं जा सकता, मेरा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे घुटने फिर से जवान किए जाएंगे, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार है, वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए तैयार है, बस आपको उसके वायदों पर भरोसा रखना है, आपको भरोसा रखना है। आज बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी की पर्ची दी है कि नहीं, कितनों को मिली है, उठाओ पर्ची आज, आज विश्वास करना, करे कि आपकी भविष्यवाणी की पर्ची में करे सब कुछ लिखा है, नीचे ऊपर वचन है, नीचे प्रोफेसी लिखी है, और वो प्रोफेसी पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है, लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से है, वो किसी को गाड़ी देगा, घर देगा, बच्चा देगा, परिवार देगा, पवित्र आत्मा अन्य भाषा सेवका ही लेगा, भविष्यवाणी करेगा, लिखा इसके अंदर, भविष्यवाणी के अंदर, ये पवित्र आत्मा ने मेरे को सारी रात बैठकर 3 दिन मैंने लिखा है इस पर्चियों के अंदर, लिखा है प्रभु से पूछकर, मैं कह रहा हूं अगर तुम प्रभु में बने रहे, तुम्हारा विश्वास मरा नहीं, मैं कह रहा हूं एक का भी काम इस प्रोफेसी में, इस पर्ची में मरने वाला नहीं है, जिंदा होगा, पूरा करेगा, पूरा आपकी भविष्यवाणी पूरी होगी। लोग बोलते हैं मेरे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती, जाओ सबके लिए होगी आज, क्योंकि लिखा है भजन संहिता में चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। एक फ्लाइंग किस दे दो आज ऊपर वाले को, मेरे को नहीं, ऊपर वाले को दे दो आज, ऊपर वाले को जोर से ताड़ी बजा सकते हैं आज, हालेलुया, कह रहा परमेश्वर है ये, हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास करने वाले लोग, शैतान ने आपको बेशक बीमार किया हो, बूढ़ा किया हो, कर्जे में डाला हो, चिंता डाल रहा हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा ईस्टर के दिन वायदा किया परमेश्वर ने, तुम्हारे मरे हुए कामों को जिंदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से असली आशीष शुरू होती है, इस साल करा के क्रिसमस आने से पहले तुम बरकतों को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसराइली यीशु के पीछे जब दौड़े, सुनो, इसराइली यीशु मसीह के पीछे कब दौड़े, चेले यीशु मसीह के पीछे कब दौड़े, जब वो जिंदा था। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कब दौड़े, जब वो जिंदा था, लेकिन जब वो मर गया इजरायली लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया। कह रहे आज चर्च के अंदर जब लोगों के काम बनते हैं तो पादरी बजिंदर के पीछे दौड़ते हैं, जब काम नहीं बनते कहते हाँ, गाल बजाते और चले जाते हैं नखरा करके, पकड़ तुम्हारे जाने से मेरे परमेश्वर का स्वर्ग नहीं हिलने वाला, ना मेरी गाड़ी मस्जिद हिलने वाली है। बोलो हालेलुया। उसमें पेट्रोल कल भी डलता था, आज भी डलेगा, हालेलुया। तुम जाओगे एक और आएगा, एक दिन हेलीकॉप्टर भी आएगा, आमीन। वायदा पूरा होगा परमेश्वर का, जो मांगोगे लिखा मिलेगा आज, क्योंकि आज ईस्टर है। यस, कह रहा है जो मांगोगे, जो कुछ मांगोगे, कह रहा जो कुछ भी मांग लोगे मिल जाएगा आज। आमीन। मैंने उन औरतों के लिए उदाहरण दिया आज, वो कह रही थी बूढ़ी हो गई हूँ और यहाँ पर आती है लौट, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है, रो रही है। यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए तेरे पति को 90 साल से 18 साल का बना दूंगा रात को। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, कह रहा आप कुछ भी कर सकता है मेरा परमेश्वर,
आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको विश्वास करना है, अगर कोई कर्जा हो गया है, कोई माई का लन नहीं उतार पा रहा है, मैं कह रहा हूं यीशु जी उठाए आपके कर्जे उतारने के लिए। आपको बस भरोसा रखना है परमेश्वर पर। इसराइली लोग यही नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह के पीछे जब चले, जब वो जिंदा था, लेकिन जब वो मर गया, अरे चेले तक, पत्रस तक, यूहन्ना तक छोड़कर चले गए और कहने लगे फिर से अपने बिजनेस पर चले गए, अपने काम पर चले गए, लेकिन एक औरत थी। एक आज मुझे पता लगा परमेश्वर बाइबल में औरतों से ज्यादा प्यार क्यों करता है। मैं पूरे साल में इनकी एक ही बार तारीफ करता हूँ बस इन दिनों में, हालेलुया, नहीं तो मुझे औरतें अच्छी नहीं लगती। सारे बोल हालेलुया। विश्वास करना है, कहता है कि परमेश्वर है यहाँ पर। कहता है कि मरियम के बारे में पढ़ेंगे, देखो 24 अध्याय में लूका में उसके 1-6 तक क्या लिखा। हाँ हाँ, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। थोड़ा माइक पीछे करके बोल, फूक भी मारी जरा। हाँ, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, कोई गुलदस्ता लाया मेरे लिए? गुलदस्ता है किसी के पास? फटाफट दिखाओ मेरे को, जल्दी। कोई लाया? बेशरम सबके सब। हाँ हाँ, शाबाश, जल्दी पढ़ो। तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? गुलदस्ता दे दे मेरे को यार, ये फूल दे दे, फूल। कोई लाया? इतना बड़ा फूल नहीं चाहिए। हाँ, सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। सुनो, लिया लिया, शादी होगी तेरी। देखो क्या लिखा कि मरियम, सुनो मरियम, लिखा मरियम, फिर से पढ़ो। बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया तो उसे कब्र में गाड़ दिया गया, और लेकिन यह भविष्यवाणी थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया कि औरतों की, आदमियों की, बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की दिमाग को, साइंस को खोलने के लिए आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह के नाम में आपके मरे हुए कामों में जान डालने की ताकत रखता है वो। कह रहा बस विश्वास करना। आज मरियम को विश्वास था, और मरियम कैसे गई कब्र पर? मरियम फूल लेकर गई कब्र पर, इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर गई कब्र पर। अरे मरगट पर लेकर जाता कोई गुलदस्ता? कोई लेकर जाता है? कोई गया आज तक? कह रहा है मरगट पर तो लोग कुछ और लेकर जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गुलदस्ता लेकर गई। क्यों लेकर गई? वो इसलिए लेकर जा रही थी, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया, विश्वास था उसको कि मैं यीशु से मिलूंगी। और ऐसे लग रही है जैसे एयरपोर्ट पे जा रही है और एयरपोर्ट पे स्वागत करेगी उसका, लेकिन जब उसने अंदर गई, अंदर जाकर देखा, अरे अंदर घुसी और देखा क्या, कह रहे कि वहां पर तो एक लाश होनी चाहिए थी, लेकिन लाश नहीं है, गायब हो गई है, और अंदर खिरफ खाली कपड़ा पड़ा है। और उसी समय वो नीचे मुंह कर कर रोने लगी, कहने लगी, हे परमेश्वर ये क्या हो गया, अब मैं क्या बताऊंगी लोगों को, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, जिसका प्रचार मैंने पूरी दुनिया में कर दिया है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसी समय एक स्वर्गदूत उसको देख रहा था, वो भौचक्की होकर डर कर सिर्फ झुकाए खड़ी थी धरती की ओर। और उसी समय एक आदमी उसके पास आता है, स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं, हे मरियम, कहता है कि क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती पर? कह रहा है कि मुर्दों में परमेश्वर को क्यों ढूंढती है? कह रहा है कि मुर्दों में सामर्थ्य नहीं है। कहता है परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है वो जी उठा है, उसने विश्वास किया कि जी उठा है, मुर्दों में ढूंढ रही थी। आज हम भी कह रहे कि अपने, जब हम बीमार थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, हम भी परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढते थे। नबी जब मैं पागलों जैसी हरकतें करता था, जब मैं जेल में था, मैं कह रहा हूँ कि उस समय में भी कह रहे कि मैं परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा, कह रहे कि परमेश्वर, कह रहे कि मुर्दों में नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ढूंढा मैंने परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात, कहता कि इन दिनों में, कह रहे कि दर्शन दिए, और उसने कहा कि तू जिसको ढूंढ रहा है, करा वो मुर्दों में नहीं, करा वो इंसानों में काम करने की ताकत रखता है।
कहता है कि आज तेरे अंदर मिलेगा परमेश्वर, कहता है कि आज तेरे अंदर है वो यीशु मसीह। वो अपने विश्वास को जो नहीं जगाता उसके अंदर यीशु मसीह उठता नहीं है, याद रखना। कह रहा है कि उनके लिए आज भी मरा हुआ है जिनका विश्वास मरा पड़ा है, लेकिन जितने लोगों ने बपतिस्मा दिया, जितने लोगों ने विश्वास किया है, चाहे आज आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, यीशु मसीह ने आज आपके अंदर एक नया जन्म ले लिया है यीशु मसीह के नाम में, वो अंदर आ चुका है आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने जिलाया है यीशु मसीह को। आज भी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मार रखा है, आज भी उनके लिए कब्र में पड़ा है वो, आज भी उनके लिए, लेकिन हमारे लिए यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कि नहीं? शर्म की बात है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। एक आदमी था हिमाचल में और वो बहुत शराब पीता, रात को अपनी पत्नी को मारता, अपने बच्चों को मारता, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी एक स्थान पर लेकर गई उसे पास्टर के पास, और उसने उसके लिए प्रार्थना किया और वो आदमी बदल गया। और ऐसा बदला, उसने कहा मैं अपने गले में ढोल डालकर कहता मैं लोगों को बताऊंगा। उसने क्या किया, पहाड़ों पर रहता था वो हिमाचल में, और उसने अपने गले में ढोल डाला और ढोल बजाना शुरू कर दिया, कहता डम डम लका लका डम डम डम, करा यीशु जी उठा है। उसको हिंदी नहीं आती, उसको प्रचार करना नहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता लग गया था यीशु जी उठा है, और वो गली में मोहल्ले में नुक्कड़ में यही कहता जाता यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय लोग कहते ये बावला हो गया है, पागल हो गया है। और उसी समय उसके मोहल्ले के आवारा लड़के, पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, उसको रोड टोले मारते, उसके कपड़े फाड़ देते, बोलते अरे कहां तेरा यीशु, कहां तेरा यीशु, रोज बोलता तो यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, और उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी वो जाता डम 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 यीशु जी उठा है, वो हमेशा प्रचार करता जाता यीशु जी उठा है, और लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके गली मोहल्ले के बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, करे कहां उठा यीशु मसीह, कहां है तेरा यीशु, कहां है तेरा यीशु, और उसको मजाक उड़ाते, उसके ऊपर थूक देते। और एक दिन वो तंग हो गया, दुखी हो गया, और उसी समय अपने कमरे में गया और कहने लगा परमेश्वर, कहता आज इस गांव वालों को बता दे यीशु मसीह जी उठा है, नहीं तो आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रो पड़ा है वो आदमी, वो प्रचार करता करता कहने लगा मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे नाम धराई कर रहे हैं, वो उस समय टूट गया है कि यीशु मसीह मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं अब लोगों को। लेकिन उसी समय कह रहा कि वो लड़का जो ज्यादा मजाक उड़ाता था उसका, एक दिन वो पहाड़ी से नीचे शहर में गया और शहर से लौटते हुए उसको रात हो गई, और जब वो वापिस आ रहा था तो समय वापिस आते आते पीछे से एक आवाज आती है उसके कानों में, बोलता है तेरा यीशु जी उठा है। और वो हैरान हो जाता है, कहता भूत, और दौड़ता फटाफट, और उसी समय कहता भूत आ गया। और उसी समय उसने कहा भूत नहीं है, कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय फिर दौड़ता है, फिर भागता, कह रहा ये क्या है यार। और उसी समय फिर थोड़ा डर जाता है, और उसी समय कह रहा है पीछे से आवाज की, मारा सामने आ, कौन है? मैं कह रहा हूँ क्या रहा होगा, माँ का दूध पिया तो सामने आ, कह रहा सामने आ। और उसी समय यीशु मसीह श्वेत कपड़ों में उसके सामने आ जाता है, बोलता है कह रहा तेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का यीशु मसीह को देखने के बाद ऐसा दौड़ता है सीधा उस पादरी के घर पर, और उसी समय जाकर गेट खटखटाता है, खट, और जाकर दौड़कर बोलता है, करा अरे गेट खोल, करा तेरा यीशु जी उठा है, तेरा यीशु जी उठा। और पादरी क्या कर रहा, पादरी अपनी पत्नी को कह रहा है भगवान पागल हो गया ये पागल, कहता है ये मारेगा, रात को 2 बजे आ गया, कहता चुप कर ओ भाई, कहता चला जा, मैं नहीं तेरे को तेरे सामने कुछ भी कहूंगा। उसने कहा अरे गेट खोल, ठक 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 ठक, करा तेरा यीशु जी उठा। अब की बार उसने दोनों हाथों से खड़काना शुरू कर दिया, धड़ यीशु जी उठा। उसने उसकी औरत ने और उसके आदमी ने बेड रख दिया दरवाजे के आगे, कुठला भी कर दिया आगे, कहीं भाई साहब दरवाजा ही तोड़ दे, रात को सब कुछ आगे रख दिया दरवाजे के, और सी दीवार ऐसे करके खड़े हो गए, दरवाजा टूट जाए, और वो दड़ भाई दरवाजा खोल, यीशु जी उठा। उसने कहा नहीं खोलेगा, कह रहा नहीं खोलूंगा, और सी समय थक कर बोलने लगा, कह रहा खोल यीशु जी उठा है, कह रहा खोल विश्वास कर यीशु जी उठा है। वो कह रहा अरे मेरे बाप जा, कह रहा जा पादरी तू विश्वास कर ना कर, मैं विश्वास कर चुका यीशु जी उठा। हालेलुया, कह रहा मैं तो कर चुका। हालेलुया, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी आपकी टेस्टिमनी बनेगी, आज रात के बाद आप कहेंगे यीशु जी उठा है। मैं एक नास्तिक आदमी था, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले था, हरियाणा का जाट आदमी हूँ, नहीं विश्वास करते जल्दी से, चमत्कार पर नमस्कार हालेलुया करते हैं हम लोग, बोलो हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह सामने आया, मेरी कहानी यही है, मैंने एक बार पादरी
मेरे मोहल्ले में एक सुसमाचार सुनाता था, मुझे नहीं पता ये पादरी है, लेकिन उसने कहा, कहता कि इसके कुत्ते ने हमारे मशीन में टॉयलेट कर दिया है। मैंने कहा हैं, मैंने कहा फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं कुत्ता ही तो है। वो बोले नहीं 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 इसको मारना है मारना है, उसने ये नहीं बताया पादरी उसकी गलती है। और मैं तलवार लेकर चला गया उसको मारने के लिए, और जब मैं मारने के लिए गया उस पादरी ने मुझे देखा, उसने कहा हमें कोई झगड़ा नहीं करना, हम प्रार्थना करेंगे। हमने कहा ठीक है कर लेना, पहले मैंने कहा मार खा लो। हाँ ऐसा गुस्से वाला था मैं, और उसके थोड़े दिनों के बाद मैंने किसी आदमी को गोली मार दी और मैं जेल चला गया। और उसके बाद मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए जेल में, यीशु मसीह ने कहा जा तू मेरा प्रचार करेगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। कह रहा बाहर जाएगा तू, दुख में था तकलीफ में था, रोने लगा परमेश्वर के सामने। और मैं जेल से बाहर निकला, मैंने कहा यीशु जी उठा है। पता मैं सबसे पहले किसके दरवाजे पर गया, मैंने कहा यार यहाँ आसपास कोई चर्च